सो बहुत बार लोग कहते हैं कि क्या खाना, मांस खाना, नहीं खाना, पशु पदार्थ खाना, ये हमारा निजी चयन है। आप कौन होते हो हमें रोकने वाले? सो उनकी बात से एक हद तक मैं एग्री करता हूं, एक हद तक, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब ये मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो इनको वो सारे सामग्री वही नजर आते हैं। ये रहा अनाज, दाल, फल, फूल, सब्जी, और यहां पर दूध, अंडा, मांस, मच्छी, सब कुछ, चीज, पनीर। तो ये व्यक्ति कहता है कि मैं अपने पैसे से दुकान में जो मिल रहा है, जो चाहिए खरीद के खा सकता हूं, ये कानूनन है, तो इसमें गलत क्या है? सो ये बात आपकी मैं समझता हूं और इस हद तक एग्री भी करता हूं, पर ये पूरी बात नहीं हुई, क्योंकि हम सभी इंसान जो है, जब भी हम कोई निजी चयन करते हैं, वेन एवर वी मेक अ पर्सनल चॉइस, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जिनको हम क्रॉस करते हैं कि हाँ सही है, अब मैं कर सकता हूं निजी चयन। जैसे समझाता हूं, अगर समझे कि हम सब कहीं जा रहे हैं और ये देखा मैंने बस आया, बस में बहुत भीड़ है, तो हट्टा कट्टा होते हुए मैंने ये ज्यादा धक्का कम मारा, एक बूढ़ा जो सीट पे बैठने वाला था उसको धक्का मार के मैं बैठ गया, मैं कहूंगा निजी चयन, धक्का मुक्की चालू था, मैंने बूढ़े को हटा के बैठ गया, गलत क्या है? लोग कहेंगे नहीं, ये नैतिक नहीं है, सब भी इंसान ऐसा नहीं करता, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। क्या मैं अपनी सीट पे जैसे चाहिए वैसे पैर पसार के बैठ सकता हूं, सामने वाले पे पैर डाल दिया, कोहनी पड़ा दी? आप कहोगे नहीं, आप किसी और को तकलीफ नहीं दे सकते, किसी और के स्पेस में नहीं जा सकते, आप अपने ही बाउंड्री में रहे, आप इज्जत दे लोगों के, अपने स्पेस और अपने अधिकारों की। क्या मैं लोगों को फोर्स कर सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये बस रानीबाग घूम के जाए, मुझे रानीबाग देखना है? लोग कहेंगे आप हमें फोर्स नहीं कर सकते, आपका निजी चयन भले ही कुछ भी हो, आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। घर जब मैं पहुंचूं तो अगर मैं देखूं घर के आसपास दो तीन और दरवाजे खुले हैं दूसरे घरों के, तो क्या मैं किसी के भी घर में घुस सकता हूं? आप कहेंगे नहीं, ये आपका चॉइस नहीं हो सकता, क्योंकि ये घर आपके नहीं है, आपको इन पे कोई अधिकार नहीं है, आप किसी और के स्पेस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे मापदंड, क्राइटेरिया होते हैं जिनको जब हम क्रॉस करते हैं, तब हम जाके निजी चयन कर सकते हैं। अब आते हैं इस दुकान पे जहां ये सब सामग्री मिल रही थी। सो चूंकि मैं एक सभ्य और नैतिक इंसान हूं, कुछ भी खरीदने से पहले ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने दिमाग में वो सारे मापदंड क्रॉस करूं। तो जब मैं कोई पशु पदार्थ या कोई पशु का मांस देखता हूं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूछूं क्या इसे खरीदने का मुझे अधिकार है? ये एक जीता जागता जीव था, जिंदा था, खुश था कहीं पर, क्या इसे मेरे वजह से मारा गया है? क्या किसी को मारना नैतिक है? क्या यहां पे हस्तक्षेप हुआ है उसकी जिंदगी में? क्या उसके अधिकार छीने गए हैं? क्या उसका शोषण हुआ है? तो जब ये सारे सवालों का मैं जवाब देता हूं, तो जवाब तो ना ही आता है, फिर कैसे आएगा मेरा निजी चयन? क्योंकि ये सारे मापदंड, ये सारे क्राइटेरिया पास नहीं होते। दुख की बात यह है कि कुछ इंसान समझते हैं कि ये सारे मापदंड, क्राइटेरिया जो हैं, ये सिर्फ इंसानों के लिए है। उनको शायद लगता होगा कि ये जो पशु है, ये निर्जीव वस्तु जैसे हैं। जैसे बहुत साल पहले, 100-200 साल पहले, हम इंसान अपने गुलामों के बारे में समझते थे। हम समझते थे कि गुलाम भी निर्जीव वस्तु है, उन्हें अधिकार की क्या जरूरत? पर क्या एक कुत्ता, बिल्ली, दूसरे पशु, कुर्सी, टेबल, इन सब के बराबर है? क्या इन पशुओं को, कुत्ते बिल्ली को गम नहीं होता, खुशी नहीं होती, भावनाएं नहीं होता? जमाना सभ्य और अच्छाई की ओर बढ़ चला है। अब हम मानव सिर्फ दानव की तरह नहीं रह सकते, हमें सबके बारे में सोचना होगा।